सर अगला टॉपिक है हम लोग का रिलेटिव स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, रिलेटिव स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। रिलेटिव स्पीड में हमें बेसिक एक ही टॉपिक पढ़ना था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमें माइनेटेड और नॉन माइनेटेड नर्व फाइबर के बारे में जानना था। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये चीजें आपको पता है। जैसे एक आपके पास नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर था, तो इसे हम नाम दे रहे हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जिसे आप चाहें तो ग्रे नर्व फाइबर भी कह लेते थे। दूसरा हम आपको इसके बगल में शो करें, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर का जिक्र हुआ होगा और यहां पर माइलिन शीथ पाया गया होगा। आपको ध्यान जरूर होगा माइलिन शीथ के बारे में। स्फिंगो माइलिन नाम की लिपिड पाई जाती है इसमें। सीएनएस और पीएनएस को अलग अलग देखेंगे तो माइलिन शीथ अलग अलग सेल्स बनाती हैं। सीएनएस के अंदर इट इज फॉर्म बाय द ओलिगोडेंड्राइट और पीएनएस में इट इज फॉर्म बाय द श्वान सेल। यस, हमारा बन गया। ध्यान रखिएगा, अक्सर हम कई दिन से कह रहे हैं श्वान सेल से लोग आकर्षित ज्यादा होते हैं। ये हमारा माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जिसे व्हाइट नर्व फाइबर कहते थे। तो ये भी ध्यान होगा कि ये बीच में नोड ऑफ रेनवियर होगा। नोड ऑफ रेनवियर इधर नहीं पाया जाएगा। तो सर यहां पर जो हम लोग ने आयनिक की बात की, आयनिक मूवमेंट की बात की, तो आयनिक चैनल्स होने चाहिए थे भाई। जब हम कहते हैं सोडियम के लिए परमिटिविटी बढ़ गई तो सोडियम चैनल खुल जाते होंगे, पोटेशियम के लिए परमिटिविटी बढ़ गई तो पोटेशियम चैनल खुल जाते होंगे। तो जैसे हम यहां पर देखें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हम आपको ऐसे बना के दिखाएं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अंदर हम आपको नेगेटिव चार्ज ऐसे दिखाएं। तो ये स्थिति हम आपको आरएमपी में शो कर रहे हैं, ये पोलराइज स्टेट है हमारी। अगर आप एक जगह स्टिमुलस देते हैं, मान लीजिए इस जगह आपने स्टिमुलस दिया तो यहां हो गया नेगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव। और यही अभी आपने पढ़ा था कि सर ये डायरेक्शन ऐसे होगा, एग्रीड। फिर थोड़ी देर के बाद सर ये डायरेक्शन ऐसे होगा, वहां बदल जाएगा। मैं बदल नहीं रहा हूं क्योंकि फिर बदलता रहूंगा तो बिगड़ता जाएगा। तो ऐसे ही तो इंपल्स कंडक्शन होगा सर, यहां पॉजिटिव हो जाएगा फिर ऐसे। यही हमने आपसे थोड़ी देर पहले अभी कहा कि अगर आपको डायरेक्शन देखना हो तो एक्सोप्लाज्म में आयनिक मूवमेंट का डायरेक्शन आप देख लीजिएगा। इस तरह से नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है। आप पहले पोलराइज होते हैं, फिर डीपोलराइज होते हैं, फिर रीपोलराइज होके आरएमपी को अचीव कर लेते हैं लाइक दिस। अगर हम वही वाला पॉइंट दिखाते तो ऐसे दिखाते। हम आपसे पूछते बताओ सर डायरेक्शन किधर है, नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है? ऊपर से नीचे। इसलिए आपको पॉइंट एक लिखाया गया अभी कि एक्सोप्लाज्म के अंदर आप आयनिक मूवमेंट को चेक कर ले। तो ये तो इनकी बात है, जरा इनको चेक कर लीजिएगा। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है किसके ऊपर? एक्सॉन के ऊपर। तो एग्जाम के ऊपर हमने आपसे कहा था कि सर हमारी श्वान सेल हो या ओलिगोडेंड्राइट हो, वो इसी को ऐसे रैप करा करती थी। अपने एनवेलप एक शब्द इस्तेमाल किया था ऐसे। तो अगर मान लीजिए इस जगह पर हमारे सोडियम या पोटेशियम चैनल हैं भी सच में, लेकिन अगर इसके ऊपर हमने एक ऐसे सेल रैप कर दी तो क्या अब उसके अंदर से आयनों का मूवमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो माइलिन शीथ जो होती है, जहां पर होती है जिस जगह पे, वहां आयनिक मूवमेंट नहीं हो सकता। ना पोटेशियम बाहर निकल सकता है, ना सोडियम अंदर आ सकता है। तो आयनिक एक्सचेंज होगा कहां? नोड ऑफ रेनवियर पे। तो इसे लोग कह देते हैं कि आप ऐसे याद करा देते हैं, लोग कहते हैं भैया समझ में ना आए तो ऐसे समझ लीजिए, माइलिन शीथ आर इम्परमेबल, नहीं आने जाने देती हैं। तो वो बंद कर दे रहे हैं तभी तो कह रहे हैं इम्परमेबल फॉर आयनिक एक्सचेंज, आयन की अदला बदली करने ही नहीं देते ही। तो वहां पर तो आप नहीं सोचेंगे। अब यही पॉइंट इसमें समझिए, बहुत छोटा सा पॉइंट है, हम आपको ज्यादा समझा रहे हैं। जैसे ये प्लस माइनस,
प्लस माइनस, लाइक। तो आपने स्टिमुलस जब दिया होगा तो सर यहां नेगेटिव हो गया, यहां पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पर हो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एंड लुक ऑन माय डायग्राम कि सर यहां पर क्या होगा कि अब सर डायरेक्शन सर ऐसे दिखेगा आपको, सहमत है? फिर उसके बाद सर यहां से इधर, इधर से इधर, फिर उसके बाद यहां से यहां, क्योंकि यहां पर तो कोई अदला बदली हो ही नहीं सकती थी इस जगह पे। एंड अगेन यहां छोटा सा, एंड सेम सर डायग्राम तो वही है, लेकिन बीच बीच में गैप आ गया। तो आप देखिए यहां से यहां पहुंचने में कितनी बार एक्सचेंज करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, और यहां पर 1 2 3 4 5 6, समय कहां ज्यादा लगा? नॉन माइनर टर्न, यस। तो इसी में रख देते हैं, एंड दैट इज हायर स्पीड, यही रखते हैं। तो आप भी रख लीजिए, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन रीजनिंग तो आपके पास जानी चाहिए कि वो समझ में तो आए क्यों आप कहते हैं हमेशा रटा देते हैं लोग, क्योंकि व्हाइटनर फाइबर में स्पीड ज्यादा होती है। तो इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि मालिन शीत के थ्रू आयनिक एक्सचेंज हो नहीं सकता, सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर पर होगा। तो नोड ऑफ रेनवियर पर होगा तो जाहिर है फिर समय कम लगेगा। इसको अगर मैं अपनी बॉडी एक्टिविटी करके दिखाऊं तो हम अगर नॉन माइग्रेटर फाइबर में चले तो ऐसे चल रहे हैं, हर जगह आयनिक एक्सचेंज करते 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 करते, सर तब हम यहां पर पहुंच रहे हैं इस कोने पर, समय चेक कर लीजिए। सेकेंड टाइम हम ये वाला बात करके देखेंगे, हमने नोड ऑफ रेनवियर पर आयनिक एक्सचेंज किया फिर मालिन शीत आ गई, फिर यहां हमने नोड ऑफ रेनवियर किया फिर मालिन शीत आ गई, देखिए जल्दी आ गई कि नहीं आ गई। सर इसी को लोग कहते हैं कूद कूद के कंडक्शन कर रहे हो आप, सॉल्टेटरी कंडक्शन, इसी का नाम लिखते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये दो शब्द रटे जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन सिर्फ ये कि आप जाने क्यों ऐसा कर लेते, यही है रिलेटिव स्पीड। हम स्पीड नहीं बता रहे हैं कितनी है, लेकिन किसमें ज्यादा है किसमें कम है और क्यों इसमें ज्यादा है इसे समझिए। पॉइंटर्स, माइग्रेटेड नर्व फाइबर, माइग्रेटेड नर्व फाइबर शोज हायर स्पीड ऑफ, शोज हायर स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, नर्व इंपल्स कंडक्शन देन नॉन माइग्रेटेड नर्व फाइबर, देन नॉन माइग्रेटेड नर्व फाइबर। नेक्स्ट, आयनिक एक्सचेंज, अकर्स आयनिक एक्सचेंज अकर्स ओनली एट नोड ऑफ रेनवियर, ओनली एट नोड ऑफ रेनवियर। दैट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन, दैट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। हम ये नहीं दिखा रहे कि माइलिन शीथ इज इंपरमेबल, वो आप यहां से कोरिलेट करेंगे। तो एक तो ये स्पीड समझनी थी कि जहां हम आपको ग्रे नर्व फाइबर और व्हाइट नर्व फाइबर लिखें, क्योंकि इन्हीं का नाम तो आपने देखा था, ये व्हाइट नर्व फाइबर थे। मसल फाइबर मत समझ लीजिएगा, वो कुछ और आपने पढ़ा है, वो रेड एंड व्हाइट थे और ये ग्रे एंड व्हाइट है। तो ये तो हम रीजनिंग के साथ समझा लेंगे। एक पॉइंट ऐसे ही आप समझ लें जिसको रीजनिंग नहीं चाहिए आपको, अगर आपको दो न्यूरॉन दिखाए जाए न्यूरॉन, तो जो लंबा नर्व फाइबर होगा
और मोटा नर्व फाइबर होगा, उसमें स्पीड हमेशा ज्यादा होती है पतले की तुलना। अब क्यों वाला रीजन आपके स्टैंडर्ड से काफी अलग है, तो हम आपको याद इसलिए दिला रहे हैं कि कई सारे जब हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, जैसे हमारे पास तो काफी इवॉल्व है, लेकिन जब हाइड्रा के आगे हम बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो कई जगह पर कुदरत ने मोटे मोटे नर्व फाइबर डाल दिए, जिनको हम लोग नाम देते हैं जॉइंट नर्व फाइबर। जॉइंट का मतलब भयानक, फॉर अलार्म रिएक्शन। अलार्म का मतलब कोई इमरजेंसी में मैसेज एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचाना, क्योंकि सिस्टम बहुत डेवलप नहीं है। हम लोग कहते जरूर है इंसेक्टा में बहुत बढ़िया डेवलप है, लेकिन कहां ब्रेन है? ब्रेन इन फॉर्म ऑफ गैंग्लिया। एग्जैक्ट ऐसा ब्रेन कहां है? सही वाला ब्रेन तो वर्टिब्रेट में शुरू हुआ जब क्रेनियम बना, उसके पहले था ही नहीं। उसके पहले तो एक कंट्रोल सेंटर है गैंग्लिया, उसी को हम ब्रेन कहा करते हैं। कहीं नाम पड़ा हो सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया, ऐसे नाम देते हैं। तो उस जगह पर जल्दी से मैसेज भेजने के लिए कुदरत ने लंबी लंबी नर्व फाइबर बना दी और मोटी मोटी बना दी। तो कभी इन वर्टिब्रेट में जॉइंट न्यूरॉन्स, जॉइंट नर्व, जॉइंट नर्व फाइबर पढ़िएगा, तब इस लाइन को याद कर लीजिएगा। इससे बिना रीजनिंग के इस लाइन को लिखे। पॉइंट, लॉन्गर एंड थिकर नर्व फाइबर, लॉन्गर एंड थिकर नर्व फाइबर शोज, longer and thicker nerve fiber shows rapid nerve impulse conduction, rapid nerve impulse conduction एक और लाइन है ऐसी। दो प्रकार के एनिमल आपने पढ़े होंगे, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड उन्हें जिनके शरीर का तापमान फिक्स रहता है, बदलता नहीं। कोल्ड ब्लडेड वो जिनके शरीर का तापमान वक्त के हिसाब से बदल जाता है। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनका मेटाबोलिक ज्यादा होता है, सहमत है? कोल्ड ब्लडेड तो मेटाबोलिक ज्यादा तभी हो सकता है, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो मैसेज का आदान प्रदान जल्दी हो, तभी तो ये ऐसी चीजें हो सकती हैं कि ठंड लगनी शुरू हुई तुरंत हमने मैनेज किया, किसी तरह से जल्दी जल्दी मैनेज करें सारे बॉडी फंक्शन को, ताकि टेम्परेचर से हमारी हीट लॉस ना होने पाए, क्योंकि हीट लॉस हो गई तो हमारा भी टेम्परेचर गिरने लगेगा। तो यहां पर जरूरत होगी तेज इंपल्स कंडक्शन की। तो अगर कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड की हम तुलना करें, तो वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उसमें स्पीड कहीं ज्यादा तेज होती है। ये सवाल ऐसे कभी नहीं आता था। पहले ये सवाल आता था कि हम एक मैमल ले लेते थे और एक फ्रॉग ले लेते थे, कहते थे अगर एक स्टिमुलस दोनों को दिया जाए तो सर किसमें स्पीड ज्यादा होगी, दोनों में बराबर होगी या किसी में ज्यादा? तो लड़के को लगता था सर ने ऑल एंड नल गुल पढ़ाया है, ज्यादा कर दो। इस पे दिमाग नहीं चलता था कि एक कोल्ड ब्लडेड है और एक वार्म ब्लडेड है। तो एक पॉइंट और, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन इज हाई इन न्यूरॉन्स ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वो नीचे की दो लाइनें तो एकदम असरसरी लाइन है, आपको ये समझना था। यस, इट्स ओके।